Welcome to our new apartment in Nuremberg City, Germany. The space in this apartment is crazy. At least हमारे लिए 3 bedroom, 1 kitchen with a classy view and a bathroom जहाँ ज़रूरत का सारा सामान है, excluding a Muslim shower. But more than the space, इस apartment में 3 ज़रूरी चीज़ें हैं. For example, privacy. हर बंदे के पास उसका personal room है, जिसमें वो आराम से chilling कर सकता है. A good location. घर के बाहर एक fit माहौल है. Table tennis से लेकर fountain. यहाँ सब कुछ है. प्राइवेसी और लोकेशन अपनी जगह, लेकिन द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज द पर्सन यू आर लिविंग विद. सो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू आवर रूममेट शुभम राणा फ्रॉम हरियाणा, गुड़गांव, इंडिया. Our first Indian friend in Germany. We met Rana Saab on a student job interview. And the moment we met him, it was an instant connection between us. और राणा साहब के बारे में मैं आपको एक जरूरी बात बताता चलूं कि ये खाना बहुत अच्छा बनाते हैं. मतलब क्या ही बात है. जब हम फ्रैंकफर्ट से न्यूरनबर्ग पहुंचे थे तो कंफ्यूजन का एक पहाड़ हमारा इंतजार कर रहा था. अबे वो बात तो ठीक है, लेकिन जाना कहाँ है? अबे मुझे क्या पता. जब बाहर निकले तो पता चला इस शहर में हिटलर रहता था. हिटलर ने अपने दौर में यहाँ पे काफी रैलीज कंडक्ट की थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इट वाज इन अ वेरी बैड स्टेट. तो इट वाज रिकंस्ट्रक्टेड कुछ हद तक, लाइक इट वाज बिफोर वर्ल्ड वॉर 2. इससे ज्यादा इन्फॉर्मेशन -15 में हमने से ली नहीं गई. अब ढूंढनी थी अकोमोडेशन, जिसके हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. दिस अपार्टमेंट जो मेन सिटी से कोई आधा घंटा दूर था, या फिर रोड पे. कज यूनिवर्सिटी ने हमें बोला कि पोंका हम आपको इतनी जल्दी कोई अपार्टमेंट देंगे. वेलकम टू आवर ओल्ड अपार्टमेंट. ये वो अपार्टमेंट है जहाँ हमारी न्यूरनबर्ग की जर्नी असल में स्टार्ट हुई थी. इस घर में हमने कभी कभार खाना बनाया भी और ज़्यादातर खाना जलाया भी, और ये भी हमें पता चला कि खाने को कचरे में कैसे फेंकते हैं. लेकिन इस अपार्टमेंट में 3 बड़े मसले थे. नंबर 1, प्राइवेसी. अगर घर में 2 लोगों की सेम टाइम पर कॉल आ जाए तो एक बंदे को घर के बाहर जाना पड़ता था. नंबर 2, अ बैड लोकेशन. अपने घर से ग्रोसरी लेने जाने तक के डिस्टेंस में सिटी चेंज हो जाती थी. नंबर 3, अ टेम्पररी प्लेस, कज नो वन इन दिस अपार्टमेंट वॉन्टेड टू स्टे देयर. लेकिन फिर भी जो नेक्स्ट लेवल मजा आता था, उसकी बात ही कुछ और है. लेकिन आफ्टर अ वाइल वी गॉट सेटल्ड इन द सिटी, तो हमने कुछ और अपार्टमेंट देखने शुरू किए, कुछ जाके कुछ ऑनलाइन. कुछ अपार्टमेंट्स एक कब्र जितने होते थे, और कुछ अपार्टमेंट्स ऐसे होते थे कि एक रूम में 10-10 लोग एक साथ रह रहे होते थे. बहुत ज़्यादा ख्वारी के बाद हमें ऑल ऑफ अ सडन एक ऐसा अपार्टमेंट मिला कि हमने देखते साथ उसको बोला कि बस ये डन करो. बट मसला ये था कि इस घर में दीवारों के अलावा सब कुछ खुद अरेंज करना था, विच मीन्स वी हैव टू बाय ऑल ऑफ द फर्नीचर, वॉशिंग मशीन एंड सो मच मोर. ये सुनकर हमने भी यही सोचा. तो फिर क्या, मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर मॉडर्न सॉल्यूशंस. तो इस सिचुएशन के अंदर एक ऐसी ऐप की एंट्री होती है जिसको यूज करने के बाद हर देसी आदमी पिघल जाता है. तो लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू ईबे. इस ऐप में सब मिलता है बॉस, जूतों से लेकर लाइट, टेबल से लेकर पंखा. आसान लफ्जों में बोलूं, जर्मनी का OLX है ये. कि इस ऐप में कुछ इस तरह के लोग एग्जिस्ट करते हैं कि जो अपना सामान फ्री में दे देते हैं. इसलिए नहीं है कि वो सामान खराब है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब उस सामान की उनको जरूरत नहीं है, तो बोलते हैं चलो तुम रख लो. तो उस दिन से बॉयज काम पे लगे. साथ का काम था फर्नीचर ढूंढना और बोथ रूम्स, और मेरा काम था उस फर्नीचर को अप्रूव करना, क्योंकि भाई मेरे से इतना काम नहीं होता. तो भाई हमारा प्लान बहुत सिंपल था. हमें 2 सिंगल बेड, 2 स्टडी टेबल, 1 कॉफी टेबल, 1 अलमारी और 1 सोफा चाहिए था. तो टोटल एक हफ्ते में सारा सामान पूरा हो गया. ऐसे हम घर शिफ्ट करते जर्मनी में, और पुराने घर से सारा सामान और कुछ ज्यादा पैक की. फाइनली सारे बैग रेडी हो गए, दानी मामू भी रेडी हो गए. हैव अ लास्ट वर्ड इन दिस. फाइनली घर छोड़ के हम जा रहे हैं नई मंजिलों को तलाश करने. बैग पैक हो चुके हैं. लास्ट डे इन दिस हाउस. लेट्स गो. जर्मनी आने से पहले इट वाज ऑलवेज अ ड्रीम टू हैव अ स्पेस लाइक दिस, जिसको मैं स्क्रैच से एक एक चीज डिजाइन करूं. बिकॉज़ व्हाइल लिविंग इन पाकिस्तान ये चीजें मोस्टली आपके पेरेंट्स ही डिजाइन करते. सो वेलकम टू आवर न्यू अपार्टमेंट. खैर
एक काफी मजे का एक्सपीरियंस था एक जगह को स्क्रैच से एक एक चीज डिजाइन करना, और वो भी अपने दो बेस्ट फ्रेंड के साथ। काफी लोगों के लिए अभी तक ख्वाब होगा, बट माई फ्रेंड ट्रस्ट मी इट वॉन्ट बी इजी बट इट विल बी ओवर। बनती कहानी नहीं क्योंकि सास भी कभी बहू।